संत निरंकारी मंडल ब्रांच हमीरपुर द्वारा राजेश ठाकुर के नेतृत्व में तथा स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर अग्रणी पंक्ति में मानवता की निष्ठापूर्ण सेवा करने के लिए कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की गई तथा इन कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन करके इनका धन्यवाद भी किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल की ओर से सफाई कर्मचारियों को 600 मास्क तथा 50 ग्लव्स भी प्रदान किए गए। संत निरंकारी मंडल ब्रांच हमीरपुर के द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन, बिजली विभाग, जिला अस्पताल में कोरोना योद्धाओं को पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया गया। ये कोरोना योद्धा भी इस विकट परिस्थिति में जोखिम उठाकर मानवता का भरपूर सेवा कर रहे हैं। संत निरंकारी मंडल हमीरपुर ब्रांच के राजेश ठाकुर ने बताया कि संत निरंकारी सेवा दल वॉलंटियर लॉकडाउन शुरू होने के समय से ही प्रशासन के सहयोग तथा मार्गदर्शन में मानवता की सेवा में समर्पित हैं। इस अवधि में प्रशासन के मार्गदर्शन में जरूरतमंद लोगों को राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि वितरित करने के अलावा रक्तदान के रूप में भी सहायता पहुँचाई गई। महामारी के दौरान जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी के दिशा निर्देशों आदेशों के अनुसार आज तक जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमने जो भी यूपी, बिहार, राजस्थान, नेपाल और जो कहीं भी गरीब भाई बहन मिले तो उनको हमने सभी को 200 परिवार, 250 परिवार के करीब हमने उनको राशन किट बांटी गई। तो और उसके बाद साथ साथ में हमने ये सारे साथ संगत और जो हमारे सेवा दल के वॉलंटियर थे उन्होंने मास्क कम से कम 4000 लगभग 4000 के करीब हमने जो मास्क बनाए थे वो भी गरीबों में बांटे। पुलिस स्टेशन, रेडियो स्टेशन, मीडिया, एमएलए साहब को भी दिए थे 700 और उसके बाद सफाई कर्मचारियों को और इन सबको हमने जो भी है 4000 के करीब मास्क दे चुके हैं। और हमने उसके बाद सैनिटाइजेशन का काम चला तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल तीन प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके बाद हमीरपुर जो शमशान घाट है उसको पूरे का पूरा सैनिटाइज और जो पानी के सोर्सेज थे बॉडी हो गई कुआँ वगैरह और उनको भी और हमने मैक्सिमम दुकान होम और बाढ़ भी हमने सैनिटाइज किए थे जो हमारे वॉलंटियर सेवा दल के जवान थे। उसके बाद हमने ये इसका किया जो हमारे यहाँ जो भवन है वो भी डीसी को हमने एक लेटर लिख के दिया था कि जो हमीरपुर का भवन है वो क्वारंटाइन के लिए आपके अंडर रहेगा। उसके बाद हमने जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स थे जैसे मीडिया, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी तो उनको भी हमने पुष्प वर्षा करके उनको भी हमने सम्मानित किया है। वो और इस वो ये तो कम था, ये तो उससे भी ज़्यादा के हकदार थे। फिर बहुत बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महामारी के संकट में इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ जो निभाया है और हम सबको जागरूक किया है। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हर समय हमें जागरूक करते रहे और टाइम टू टाइम जो खबरें पहुँचाते रहे और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ निरंकारी मिशन की तरफ से, निरंकारी संत निरंकारी मंडल हमीरपुर ब्रांच हमीरपुर का। और हमने वहाँ भी जैसे पीएम केयर फंड में 5 करोड़ जो वहाँ से मंडल से 5 करोड़ की राशि पीएम केयर फंड में दी थी। उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली में 50 लाख के करीब राशि दी गई है सीएम फंड में। और उसके बाद हमारे जो जितने भी भवन हैं वो क्वारंटाइन के लिए पूरे जोन में और वहाँ भी जैसे चिंतपूर्णी है, उन्ना है, वहाँ भी 400 के करीब रोज़ राशन की किट दी जा रही है और वहाँ भवन में सेवाएं चली हैं, मास्क की भी सेवा चली है, सब पूरे जितने जोन में है
हमीरपुर जोन में पूरा का पूरा सैनिटाइज का काम भी चला है और हमने प्रशासन से मिलकर ये सब कर रहे हैं, तो मैं आपको सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इन सभी कोरोना योद्धाओं जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बिजली कर्मचारी, हमीरपुर के केबल ऑपरेटर का धन्यवाद करते हुए इस पुनीत मानव सेवा कार्य में प्रशासन को सहयोग देने के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन तथा सभी सेवा दल वॉलंटियर्स का वे धन्यवाद करते हैं। लगभग पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला है और हिमाचल प्रदेश में भी, खासकर हमीरपुर में भी कुछ समय से काफ़ी यहाँ पर लोग जो कोरोना से आए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संत निरंकारी मंडल हमीरपुर का, जिन्होंने लगभग 2 महीने से अपना पूरा प्रयास किया है और इस संस्था द्वारा, चाहे वो गरीब आदमियों को राशन देने की बात हो, चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे सैनिटेशन करने की बात हो, यहाँ तक कि ब्लड की भी किसी को ज़रूरत हो, इस संस्था द्वारा कई ब्लड जैसे कैंप लगाकर काफ़ी हद तक ब्लड भी इकट्ठा किया है। आप यहाँ जितने भी केबल ऑपरेटर यहाँ बैठे हैं, आप से भी मेरा निवेदन है कि जो 2 महीनों में आपने इस वायरस से मुकाबला करने के लिए जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय है।